देखने की जरूरत यह है कि उच्च आदर्शों की रक्षा जो है बहुत आवश्यक है, तो दोनों एक विषय हो जाते हैं। उच्च आदर्शों की रक्षा जो है वो एक, क्योंकि जो एक सिविल सोसाइटी है, एक सिविक सेंस है, उसमें बराबर एक बात रेखांकित करने योग्य है कि वो मनुष्य की ऐसी निर्मितियां हैं जो बहुत लंबे दीर्घ अनुभव से, दीर्घ विमर्श से, दीर्घ संवाद से वो रेखांकित होती हैं, उनका रूप सामने आता है। जैसे मैंने पहले आपको कहा था कि शक्ति को ही अगर एक आधार बना दें तो शक्ति की रक्षा के लिए जो सबसे विश्व का सबसे बड़ा युद्ध है महाभारत, वो शक्ति की रक्षा के लिए होता है। और अगर आप गीता को आधार बनाएं, गीता को देखें, उसमें गीता की जो पूरी मनोभूमि है वो मनोभूमि इतनी है कि यदि हमें बराबरी का जो सपना है वो पूरा करना है, हम बराबर हैं, हमारा कुछ अधिकार है, हमें कुछ चाहिए, तो वो आपको गीता में दिखाई दे। गीता में एक अल्पसंख्यक वर्ग है, मन जिसे आप माइनॉरिटी ग्रुप कहते हैं, माइनॉरिटी ग्रुप जो है जिसका नेतृत्व अर्जुन या युधिष्ठिर करते हैं, और एक मेजॉरिटी ग्रुप बहुसंख्यक वर्ग है जिसकी लीडरशिप जो है वो दुर्योधन के हाथ में है। ये चरित्र जो है, नाम चाहे जो इनके हो, ये इसी भारतवर्ष के हैं, और वो एक सत्य की रक्षा के लिए अपने को बलिदान देने के लिए तत्पर है। और उस सत्य की रक्षा में जितने भी सत्यवादी पक्ष हैं वो सब के सब उस तरफ हैं। तो केवल ये संकेत भर है कि भारतीय साहित्य में सिविल और जो सैन्य संबंध हैं उनका उल्लेख प्राचीनतम साहित्य में भी मिल जाता है। हम आज जब उस पर विचार करते हैं और इसके सही स्रोतों की पहचान करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो बहुधा एक प्रश्न खड़ा होता है, वो प्रश्न मन में उठता है हमारे। वो प्रश्न ये है कि अंततः क्या हम युद्ध के द्वारा ही उन चीज़ों को प्राप्त करेंगे? और यहाँ से नए सवाल खड़े होते हैं, यहाँ से नए विश्व के नए प्रश्न खड़े होते हैं कि क्या ये संभव है। आज जब हम सिविल और मिलिट्री रिलेशनशिप की बात करते हैं तो उससे बहुत दीगर प्रश्न उठते हैं, जो हमारे सब कॉन्टिनेंट, जो हमारा महादेश है, इस महादेश में जो हलचलें हैं उन हलचलों से भी उसका गहरा संबंध हो जाता है। इसके बारे में बहुत सारे पक्ष हैं, उन पक्षों को मैंने अपने निबंध में उल्लेख किया, और मुझे उम्मीद है कि जो नए विद्वान हैं वो इस पर अपने विचार बहुत खुलकर के सामने रखेंगे। कुछ मोटी मोटी बातें हैं, हम लोग अक्सर इस एक प्रश्न को अपने मन में बिठाते हैं कि ये भाषा का हमारा काम क्या है, भाषा से हम क्या प्राप्त करते हैं, भाषा से हम एक संप्रेषण प्राप्त करते हैं, हम अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते हैं। लेकिन अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने के और क्या तरीके हैं? हम लड़ करके अपनी बात पहुंचा सकते हैं, हम छल छद्म कर अपनी बात पहुंचा सकते हैं, हम अपनी अलग भाषा रख करके दूसरे की भाषा को बिगाड़ करके अपनी बात पहुंचा सकते हैं, अपना गुस्सा, अपना अहंकार, अपना जो वर्चस्व है, हेगमनी है, उसको भी स्थापित कर सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन जो पहला पक्ष इसका है, सिविक सेंस से, सिविल सोसाइटी से जो जुड़ा हुआ है, उसका सीधा संबंध इस बात से है कि हम कितने ऊंचे हैं, कितनी हमारे पास शक्तियां हैं। और ये संयोग है कि पूर्व में, खासतौर से भारत में, उच्चादर्शों की स्थापना के लिए आरंभ से प्रयत्न हुए हैं। मैं आपको, आप लोग जो विद्वान लोग हैं, और खासतौर से केरल, क्योंकि एक ऐसी भूमि है जहाँ की इस पर बहुत लंबा विमर्श चला है, यहाँ के मनीषी, यहाँ के लेखक, यहाँ के कवि, उन्होंने इस पर बहुत अधिक विमर्श किया, बहुत अधिक विमर्श किया। और उनके यहाँ, जैसे कि आपके यहाँ अगर आप देखें कुमारन आशान, तो
तो कुमारन आशान एक ऐसे कीर्ति स्तंभ है 19वीं 20वीं शताब्दी के, तो बहुत नज़दीक हमारे बहुत कुछ ही पीछे से हैं। और कुमारन आशान के यहाँ भी आपको एक तरह का ऐसा ही द्वंद्व दिखाई देगा। उनकी कविताओं को अगर आप आज अच्छी तरह समझना चाहें तो उन कविताओं में आपको मूल्यों का जो एक आंतरिक संघर्ष है वो दिखाई देगा। और ये मूल्यों का आंतरिक संघर्ष जो है ये हमारी उस आकांक्षा से जुड़ा हुआ है जो हमारी शक्ति हमारे पास भाषा के द्वारा हमें मिली हुई है। तो कहने का अर्थ है कि हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं भाषा के द्वारा। भाषा के द्वारा हम संपूर्ण संप्रेषण चाहते हैं। एक बच्चा जो है वो जब अपनी माँ से तोतली बोली में बोलता है और जब माँ नहीं सुनती तो फिर अपने नाखूनों से खरोंचता है उसे, उसको कोशिश करता है कि संपूर्ण रूप से माँ समझ जाए उसकी बात को। ये भाषा जो है एक तरह से उस माँ का विकल्प ही है जो कि जिसको बताना चाहता है कि सारी चीज़ें हम समझ जाएं। आज जब हम बहुत सारी भाषाओं के बीच द्वंद्व देखते हैं, झगड़ा देखते हैं, तनाव देखते हैं, या अपने भाषा के वर्चस्व के अहंकार के कारण दूसरे की भाषा का अनादर करते हैं, तब ये समझ में आना चाहिए कि भाषाओं का अर्थ यह है कि वो एक दूसरे से कितनी मिली हुई है और कितनी कठिन है, और वो कई रूपों में मिली होती है, वही व्याकरणिक ढंग से मिली होती है। अगर आप देखें भारतीय भाषाएं जो हैं वो व्याकरण की अनेक कोटियों से मिली हुई हैं। बल्कि जो सबसे बड़ा प्रमाण है भारतीय भाषाओं के अंतर संबंधों को सामने रखने वाला, वो है कि हमारी सारी भाषाओं की जो प्राप्त कल्पना है, जो आद्य सूत्र हैं जो हमारे पास, वो एक जैसे हैं। आज इसमें अगर उसके प्रमाण देखना चाहें आप, एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि हमारी भाषाओं का व्याकरणिक सूत्र जो है वो एक। हमारे अगर आप मलयालम के और संस्कृत के और हिंदी के वर्णाक्षरों को देखें तो पहले आपके स्वर का क्रम आएगा, फिर व्यंजन का क्रम आएगा। ये जो वैज्ञानिक विधि आपके पास हासिल है, ये असल में इसको मानना चाहिए कि बहुत दीर्घ प्रयोगों के बाद ये उपलब्ध हुई आ जाए, और उन दीर्घ प्रयत्नों की उपलब्धि के कारण इसका बड़ा व्यापक रूप से बहुत गहरे में धंसी हुई, इसे अलगा नहीं सकते आप। बहुत सारे विद्वान हमें कहते हैं कि आपके और हमारी भाषाएं अलग अलग हैं, लेकिन अगर आप देखें तो अलगाव जो है वो मनुष्य ने बाद में उपस्थित किया है, आद्य रूप से वो एक है। और इनकी इन भाषाओं से जो चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं वो भी आद्य रूप से एक है। मैं केवल अपने जो नए विद्यार्थी हैं उनको कहना चाहता हूँ जो सेकंड लैंग्वेज हिंदी पढ़ रहे हैं, वो बहुत गौर से इस बात को सुने, क्योंकि आप भविष्य में जाकर के अपने लिए जो चयन करने वाले हैं पढ़ाई का कोई क्षेत्र जो है उससे इसका ताल्लुक है कि ये भारतीय भाषाएं कितनी ज़्यादा आपस में एक है। इसके असंख्य प्रमाण मिलेंगे। तो एक प्रमाण आपको देना चाहता हूँ कि हम जो सृजनरत हैं, हमारी गीताश्री जो हैं बहुत बढ़िया कहानियाँ लिखते हैं, बहुत कहना चाहिए कि एक ऐसी जुझारू भाषा का प्रयोग करते हैं कि अक्सर लोग तिलमिला जाते हैं, लेकिन वो भी उसका भी संबंध जो है अंतर संबंध इस एक विचार से है कि हम कितने उद्वेग पैदा कर सकते हैं। हम अपनी भाषा में वो तीव्रता तेजी, वो जो तत्काल हमारा विषय दूसरे तक पहुँच कर सकते हैं, और ये जो है एक आदर्श है भाषा का, जो फिर सिविल रूप में सब जगह उपलब्ध रहता है। अगर आप देखेंगे जब गांधी जी भारतवर्ष में आज़ादी का शंख फूंक रहे थे तो उस समय उन्हें सिविल नाफरमी एक शब्द दिखाई दिया, यानी व्यापक रूप से जन समुदाय में अवज्ञा, और इस अवज्ञा को उन्होंने हथियार बनाया, सत्याग्रह का हथियार बनाया। ये छोटा सा उदाहरण जो हमारे पिछले समय से है। लेकिन हमारे यहाँ जिन मनीषियों ने भाषा के द्वारा कल्पना की है उन्होंने हमारे लिए एक ऐसा आसमान व्याप्त रूप से बड़ा आसमान सामने रखा जिसे हम छू नहीं सकते। उनके यहाँ एक पद है जो कि औपनिषदिक पद है, मैं आपको बताता हूँ, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियतम चतक। कि आओ उद्वेग वाला हम रच सकते हैं, हम अब अनुद्वेगकारी वाक्य रचे, अनुद्वेगकारी वाक्य। आप जितना भी महान साहित्य संसार का पढ़ेंगे, आधुनिकतम तक महान साहित्य पढ़ेंगे आप, जो है आप मैक्सिकन कवि अक्टोबियो पाज की कविताएं पढ़ें, आप किसी की पढ़ें,
उसमें उद्वेग की सारी चेष्टा में अनुद्वेग को प्राप्त करने की इच्छा होगी। अब ये बहुत जटिल बात है, ये मैं सोचता हूँ जो नए मस्तिष्क हमारे सेकंड लैंग्वेज की ओर आ रहे हैं वो इन चीजों से थोड़ा लड़े। और इस सेमिनार का लाभ ये है कि इन सब चीजों की सुरक्षा के लिए जिस तरह से कि भाषिक सामग्री पर काम करने वाले सृजेता लेखक इत्यादि उस पर ध्यान देते हैं, ऐसे हमारे समाज में सार्वजनिक रूप से हम दूसरी चीजों उनसे आप मुंह नहीं सकते। तो इसलिए जो मैंने कहा था कि अभी जो सिविल एंड मिलिट्री रिलेशनशिप का जो एक प्रश्न है, ये प्रश्न थोड़ा